बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और बहुत ही जूसी बनेगी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिया है हमने एक प्रेशर कुकर और इसमें हम एक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसमें हम कलेजी शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। अब हम इसमें 3 कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च और 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर। अब इसको हम प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। देखिए जी कितने अच्छे से पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें हम 1 प्याली ऑयल शामिल करेंगे और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाए और मज़ीद हम इसकी 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर जी कलेजी की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी कलेजी। इसको बनाना बहुत ही आसान था और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।